नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जबरदस्त जीत हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनसे हमारा पहले से संपर्क है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने भी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी फोन करके बुलाया है, तो हमने कहा कि हम आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम तो इसी पर लगे हुए हैं, जब हो जाएगा हम तब बता देंगे। विपक्षी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये देश के हित में ही है, इसके लिए प्रयास तो चल रहा है। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। उनकी जगह पार्टी के नेता काकोली घोष दस्तीदार शामिल होंगी। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट कर कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे सिद्धारमैया और उनके अन्य साथियों ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ममता बनर्जी ने सिद्धारमैया को शुभकामनाएं दी हैं और काकोली घोष दस्तीदार को समारोह में शामिल होने के लिए कहा है। अडानी समूह के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों पर नियामक विफलता हुई है या नहीं। एक तरह से शुरुआती रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि अडानी समूह द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और ये निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि बाजार नियामक सेबी की ओर से कोई नियामक विफलता थी। हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच कर रहे विशेषज्ञों के पैनल ने कहा है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि अडानी समूह की ओर से कीमतों में कोई हेरफेर नहीं किया गया है। पैनल ने कहा कि अडानी समूह ने खुदरा निवेशकों को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और समूह द्वारा किए गए उपायों को कम करने से स्टॉक में विश्वास बनने में मदद मिली है। इसमें यह भी नोट किया गया है कि स्टॉक अब स्थिर है। कैबिनेट फेरबदल के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाए जाने के एक दिन बाद किरण रिजिजू ने शुक्रवार को इस प्रक्रिया को नियमित प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री के वजन का हिस्सा है, ना कि उनके लिए सजा है। रिजिजू ने कहा ये ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया है, ये प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है, किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, कोई गलती नहीं हुई है, मेरे खिलाफ बोलना विपक्ष का कर्तव्य है, उन्हें बोलने दें। बता दें उनकी ये प्रतिक्रिया तब आई है जब वो पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि आज राजनीति करने का दिन नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाई गई उस कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई को पारित आदेश के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया है। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कथित शिवलिंग की आयु का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। वहीं शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद पैनल की याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। भारत के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में किनका किनका नाम लिया जा सकता है और यदि उनमें सिर्फ गुजरातियों का नाम लेना हो तो किनका इतना अहम योगदान हो सकता है। दरअसल देश के गृहमंत्री अमित शाह से जानिए कि वो किनके किनके योगदान को अहम मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत के आधुनिक इतिहास में चार गुजरातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये चार गुजराती हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। यानी गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को अब महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बरक्स खड़ा करने की कोशिश की गई है। अमित शाह दिल्ली गुजराती समाज के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा गांधी जी के प्रयासों से देश को आज़ादी मिली, देश सरदार पटेल के कारण एकजुट हुआ, मोरारजी देसाई के कारण देश का लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ और नरेंद्र मोदी के कारण दुनिया भर में भारत का जश्न मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी से बैन हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि अब अगर कुछ हुआ तो विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी को दोषी न ठहराएं। टीएमसी ने कहा है कि राज्य सरकार ने खुफिया जानकारियों के आधार पर पश्चिम बंगाल में विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी को दिखाने पर रोक लगाई थी, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल के वरिष्ठ नेता शशि पांजा ने गुरुवार को कोलकाता में कहा राज्य सरकार को आशंका थी कि फिल्म के प्रदर्शन के बाद तनाव हो सकता है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, राज्य सरकार इसका पालन करेगी।
विपक्ष को इसे अपनी जीत और सरकार के हार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ले ली है। भारत के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ ने आज उन्हें शपथ दिलाई। इसी के साथ विश्वनाथन उन वकीलों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की पीठ में पदोन्नत होने के बाद सीजेआई बनेंगे। जस्टिस केवी विश्वनाथन अगस्त 2030 में भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 3 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। इन देशों में जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। बता दें, इस शुक्रवार से जापान के हिरोशिमा में G7 का सम्मेलन हो रहा है जो 21 मई तक चलेगा। पीएम मोदी शुक्रवार को जापान पहुंच जाएंगे। G7 के सदस्यों में जो देश शामिल हैं उनका नाम है जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि G7 की बैठक में पीएम मोदी अन्य देशों के साथ शांति, स्थिरता, खाद्यान्न, ऊर्जा और उर्वरक जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।